घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है। इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आप इसका उत्तर ऐसे लिख दिए हैं तो एक बच्चा बोलने लग गया कि ये तो नहीं है, पांच ही महासागर होते हैं और सागर महासागर इसमें सब लिख दिए गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही हो, आप दूसरे भी लिख सकते हैं। ये सात महासागर हैं, अब आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये सात समुद्र और महासागर कौन से हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये सागर हैं, ठीक है, तो इनको भी आप समझ लीजिए, ठीक है, ये आपके महासागर। अच्छा, इसी चीज़ को जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये सात हो गए, तो अब ये हैं तो वही महासागर, बस ये डायरेक्शन वाइज बट गए हैं, ठीक है, तो ये सात आपके हो गए। देखिए, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर इधर भी है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है पृथ्वी गोल है। हाँ, ये जो है आर्कटिक महासागर, ठीक है, ये पोल वाला पोर्शन, ठीक। हाँ, अभी कुछ जगह पर अंटार्कटिक भी ले लेते हैं। आपको सात सागर के बारे में बोले जाते हैं लेकिन हम यहाँ महासागर के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपके पांच महासागर हैं, ठीक, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, तो ये जो हैं आपके महासागर हो गए। ये पांच महासागर आपको दिख रहे हैं। अच्छा, इस दिशा में आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, आपको यही पांच ही पढ़ाए जाएंगे रियलिटी में, वास्तविकता में मतलब। और महाद्वीप महासागर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है।